सर, ये 2017 से मेरे पास षड्यंत्रपूर्वक हमला, मतलब हमला करने लगा। मैंने एक नीरज चाचका उर्फ नीरज शर्मा 20 मार्टिन चौक के ऊपर 7,55,000 का चेक बाउंसर केस लगाया था मैंने। उसके ऊपर धमकियाँ आने लगी कि तेरे को ये केस का मामला वापस ले ले, अन्यथा तेरे पे 4 से 5-10 दिन में तेरे पे FIR दर्ज करा देंगे झूठी रिपोर्ट की। 2017 सितंबर में मेरे साथ ये घटना घटित हो गई। मेरी मिसेस ने जब DIG साहब को अवगत कराया कि इस तरह की हमारे ऊपर ये घटना होने वाली है, मेरे पति को झूठे केस में फंसाना चाहते हैं ये लोग, वो 376 लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लिखित में शिकायत करी। यहाँ पर शिकायत होती है और 4 दिन बाद ही मेरे ऊपर एक झूठी शिकायत दर्ज हो जाती है महिला थाने में 376 की। पर जब हमने उसमें अग्रिम लेते हैं, अग्रिम देने में तो माननीय न्यायालय द्वारा एक महिला जज द्वारा ही मेरे को, मतलब पूरे साक्ष्य और सबूतों के आधार पर मेरे को अग्रिम जमानत दे दी जाती है, जिससे कारण उनका जो प्लानिंग थी वो विफल हो गई। उसके बाद आए दिन हर थानों पे नीरज शर्मा की बहन जो मोना माखीजा वो नागिन है, वसली रानी के नाम से फेमस है सर, वो उसने आए दिन हर थाने पे मेरी झूठी शिकायत करने की कोशिश करी, मेरे को FIR करने की कोशिश करी, पर माननीय पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच करके मेरे परिवार के ऊपर जितने भी आरोप लगे या मुझ पर FIR करने की कोशिश करी, सब उन्होंने निष्पक्ष जाँच करी और सबने खात्मा भी किया और उसको झूठा करार किया, जिसकी प्रतिलिपि सब मेरे पास संलग्न है। क्योंकि इसके पीछे एक और नाम है अमित चावला, जो मेरे से दृष्टा रखता है बिजनेस अरावल के कारण, वो इसके पीछे था, उसने सब जगह पे इनका साथ दिया। आज वो लड़की की एक रिकॉर्डिंग, कई रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जिसके अंदर वो 50 लाख मांगती है कि 50 लाख सिद्धि जायसवाल को देना पड़ेंगे, नहीं तो उसके, मतलब उसके बाप को देना पड़ेंगे, नहीं तो उसको मैं इतने केस में फंसाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और शिकायत कर करके हम लोग तो हमको परेशान कर दिया है।